अ वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम योर रिवियस टीचर इफत Kazi. होप यू all आर सेफ एट होम एंड enjoy योर ऑनलाइन क्लासेस आज हम आपका नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर nine, गुड हैबिट्स अच्छी आदतें सबसे पहले हम एक उसके बारेंगे, उसके बारेंगे। poem पढ़ेंगे उसके बाद हम आपका लेसन कंटिन्यू करेंगे गेट सेट Enjoy द poem. आई कैन tie my शू laces. आई कैन ब्रश my हेयर आई कैन वॉश my फेस एंड हैंड एंड आई ड्राई myself सेल्फ विद केयर आई कैन क्लीन teeth टीथ एंड up my अप I फ्रॉक आई कैन ड्रेस ऑल and pull सेल्फ एंड पुल अप सॉक्स इस पोईम में बताया गया है कि आपको अपने सारे काम खुद करने चाहिए जैसे आपको अपने शूज लेस खुद टाइट करने चाहिए अपने बालों में कॉम खुद करना चाहिए और उसके बाद अपने फेस और हैंड को वॉश करना चाहिए और उसे अच्छे से ड्राई करना चाहिए और उसके बाद टीथ क्लीन करने चाहिए अपने फ्रॉक को खुद पहनना चाहिए और अपना ड्रेसअप भी खुद करना चाहिए और अपनी चीज़ों को अपनी सॉक्स को खुद पुल कीजिए लगाइए सब बच्चे ये पोईम मुझे वीडियो बना के भेजेंगे पिछली बार भी बड़े कम बच्चों ने भेजा था इस पर अच्छे से राइम करके सब पोइम भेजेंगे लेट्स स्टार्ट लेसन गुड हैबिट्स हेल्पस गुड हैपट हेल्पस टू स्टे हेल्थी एंड टू बिकम स्ट्रांग अच्छी आते हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है क्लिन एंड हेल्थी साफ़ सुथरा और तंदुरुस्त वी मस्ट कीप आवर सेल्फ क्लीन सबसे पहले तो हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए नहाना चाहिए अच्छे से ऑइलिंग करनी चाहिए अच्छे से वेन वी प्ले आवर वर्क आवर बॉडी गेट डटी जब हम खेलते हैं काम करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है गंदी हो जाती है डस्ट एंड स्वेट मेक अवर बॉडी धूल मिट्टी और पसीना हमारी बॉडी को गंदा कर देता है वी मस्ट इसलिए हमें रोज नहाना चाहिए इट इज द बेस्ट ये क्या है बेस्ट है जैसे एक बच्चा नहा रहा है एवरी डे आई यूज ए क्लीन टॉवल, पहले नहाओ उसके बाद साफ सुथरा तौली से खुद को सुखाओ ने वे टू कीप अवर बॉडी क्लीन कैसे अपनी बॉडी को क्लीन कीजिए यूज सोप एंड वाटर टू वॉश अवे डर्ट्स हमेशा पानी और साबुन का इस्तेमाल करिए अपनी बॉडी को साफ करने के लिए यूज़ ए क्लीन टॉवल टू विश योर सेल्फ अपने आप को सुखाने के लिए एक साफ़ सुथरा तोलिया यूज़ कीजिए वेयर क्लीन क्लोथ और हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहने वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग जब भी आप कुछ खाएँ तब भी हाथ धोएं और खाने के बाद भी हाथ धोएं द डर्ट ऑन योर हैंड एंटर आवर बॉडी विद द फूड जो गंदगी होती है वो हमारे हाथों से ही हमारे खानों खाने के से हमारे पेट में चली जाती है और हम बीमार होते हैं अगर हमारे गंदे हाथ होंगे ट्रिम योर नेल्स विद द नेल कटर अपने नाखून को काटिए वीकली में When वी ईट स्मॉल बाइट ऑफ फूड वी आर लेफ्ट इन द माउथ जब भी हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे खाने के टुकड़े हमारे दांतों में और हमारे मुंह में रह जाते हैं दे कैन स्पॉयल अवर टीथ वो हमारे दांतों को ख़राब कर सकते हैं वी मस्ट कीप आवर टीथ क्लीन बाय ब्रशिंग देम डेली इसीलिए हमें जो ब्रश होता है डेली करना चाहिए और एटलीस्ट टू टाइम मॉर्निंग में भी और नाइट में भी जब सोने से पहले वी मस्ट राइज अवर माउथ विध वाटर आफ्टर वी ईयर समथिंग नहीं तो जब हम दिन में कुछ खाएं या कुछ भी खाएं तो हमें अपना मुंह कुर्ली से या किसी माउथ फ्रेशन से साफ करना चाहिए अवर आइज़ ईयर नोज़ एंड हेयर मस्ट ऑलवेज बी क्लीन हमारी आंखें कान नाक और बाल हमेशा साफ़ सुथरे रहने चाहिए जैसे एक छोटा लड़की बताई है वॉश योर हैंड कैसे वो साबुन से अच्छे से हाथ धो रही है ट्रिम योर नेल देखिए नेल को कैसे ट्रिम करना है और ब्रश वो टीथ ऐसे ब्रश करना है टीथ को और कॉम योर हेयर और अपने बालों को भी अच्छे से कॉम करना है ऐसे बिखरे बाल नहीं रखने हैं कीप योर सेल्फ क्लीन ईट फ्रॉम योर ऑन प्लेट पहले तो अपनी प्लेट से खाओ दूसरी की प्लेट से मत उठाओ गंदे हाथों से जूटे हाथों से ड्रिंक फ्रॉम योर ओन ग्लास अपने ग्लास से पानी पीजिए वैन यू कफ सीज कवर योर मॉथ योअर विद द हैंकी जब भी आपको खांसी आए चीख आए तो अपना मुंह कवर करो अपना नाक भी किससे अपनी हैंकी से डो नॉट बाइट योर नेल और नेल को कभी भी बाइट नहीं करना चाहिए नहीं खाना चाहिए डो नॉट लिक योर फिंगर आफ्टर ईटी खाने के बाद कुछ बच्चे क्या कर करते हैं मुंह में उंगली डाल के खाना निकालते हैं वो भी गलत है आप कुल्ली कर लीजिए ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू बेड ब्रश आपको सुबह भी करना चाहिए और सोने से पहले भी करना चाहिए कीप क्लीन साफ़ सुथरा रहें और जिससे आप स्टे हेल्थी जिससे आप हेल्थी रहेंगे अब आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पे 63 पेज पे। आप देख रहे कुछ बच्चे क्लीनिंग कर रहे हैं अपने घर को साफ़ कर रहे हैं और कुछ बच्चे उसको गंदा कर रहे हैं जो साफ़ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं जो गंद कर रहे हैं वो गलत बात है दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए कीप योर हाउस क्लीन वी ऑल लव टू प्लेस सबको खेलना पसंद है आफ्टर प्लेइंग पुट अवे योर टॉयज आपने खेला आराम से अपने खिलौनों से उसके बाद जगह पर अपने खिलौने रख दिए नीचे फ्लोर पर फिला के नहीं रखने हैं कीप योर बुक इन देअ राइट प्लेस एक बुक शेल्फ हो गया आपके घर में बुक्स पढ़ी वापस उस बुक शेल्फ में रख दी थ्रू यूज बिट ऑफ पेपर एंड अदरवेज इन टू द डस्टबिन छोटे टुकड़े कागज़ के या और पेंसिल का शॉर्पनर का जो भी गंद होगा वो कहाँ डालें आप डस्टबिन में डू नाट राइट और ड्रा ऑन द वॉल्स कभी भी दीवारों पर ना तो ड्राइंग बनाएं और ना ही कुछ लिखें उससे दीवारें खराब होती हैं स्विच ऑफ़ द लाइट्स एंड फैंस वैन यू लीव ए रूम अगर आप जब तक तो रूम में बैठे तो लाइट और फैन ऑन कीजिए जब आप उस रूम से निकलते हो ये सबको जरूरी होता है ये इस्लाम में भी है कि लाइट और फैन को बंद करके ही निकलें टर्न ऑफ टैप एंड शॉवर और जब भी आप वॉशरूम यूज़ करें जब आपने वाश में यूज़ करें तो अच्छे से नलके को शॉवर को बंद कीजिए फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़ जब भी आप फ्लश जाएँ तो उसको अच्छे से पानी गिरा के फ़्लश करके ही आएँ ये सब गुड हैबिट्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में अपनाने चाहिए जिससे आप अच्छे बच्चे बनेंगे अस से इट अगेन आप देखेंगे पूरे लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट हम सबको अच्छी आदतें फॉलो करनी चाहिए वी मस्ट कीप अवर सेल्फ क्लीन हम सबको अपने आप को साफ रखना चाहिए वी मस्ट हैव ए बाथ एंड ब्रश अवर टीथ एवरी डे नहाना और ब्रश करना रोज करना चाहिए वई मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर आफ्टर ईटिंग खाने से पहले भी और खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए वई मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन और साथ में हमें अपना घर भी साफ रखना चाहिए अपनी मम्मा के साथ हेल्प करना चाहिए इस लैसर में से आप पहले तो पोएम को राइम करेंगे दूसरा आप इसमें से टेन टेन गुड हैबिट्स लिखेंगे सब बच्चे हाउ यू अंडरस्टैंड अल्लाह हाफिज़